ओपन करता हूँ मैं पैकेज और मैनेज स्टूडेंट पे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करूँगा मैं और फिर इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखते हैं यहाँ तक हमने काम कर लिया था। कोर्स नहीं आ रहा है, कंसोल में एक्सेप्शन एरर भी आया होगा और वो इसलिए आया होगा क्योंकि हमने एक्सएम सर्वर को चालू नहीं किया है। चालू कर देते हैं। चालू हो जा भाई। हो गया चालू। अब मैं ओपन करता हूँ इसको, इसे मैं करूँगा क्लोज और फिर से इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे देखिए कोर्स आ चुका है और यहाँ पे ये भी आ चुका है। हमने एक काम हमें करना चाहिए, जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे लेबल आना चाहिए सेलेक्ट कोर्स और यहाँ पे भी आना चाहिए कि सेलेक्ट कैटेगरी। तो मैं इस पे काम करूँगा जो है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगा। चलिए तो इसको मैं बंद करता हूँ। हमें यहाँ पे जे टेबल लाना है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया है क्योंकि वो मैंने सर्वर चालू करा ना, इसलिए। तो क्या करना चाहिए हमें कि सबसे पहले हमें जे टेबल बनाना चाहिए एक ठो। तो जे टेबल बनाने के लिए हमें जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाएंगे, तो इधर जे टेबल टी जे टेबल मैं टेबल नाम दे देता हूँ और यहाँ पे अब नीचे आके इधर नीचे बना लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, या ऊपर ही बना देता हूँ, मतलब कहीं भी अपने हिसाब से। ये टेबल का ऑब्जेक्ट बना के रेडी कर दिया मैंने। अब इसका जो है बॉन्ड्स भी सेट करना पड़ेगा। तो डॉट सेट बॉन्ड्स, सेट बी ओन सेट बॉन्ड्स। थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, मैं इसमें कितना कितना डालना है वो मैं हिट एंड ट्रायल करके फिर रिज्यूम करता हूँ। तो लगभग इतना पोजीशन लेते हैं तो लगभग कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। मैं आप लोगों को ऐड यहाँ पे करता हूँ, टेबल डॉट ऐड टेबल। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो आपकी आएगा लगभग ये इतना जे टेबल आ रहा है वाइट कलर का। तो चलो ठीक है, इतना कोई समस्या नहीं है, इतने से इतना जो है ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने का काम हम चाहें यदि तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसी फॉर्म में कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्म में कोड लिखना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक लिसनर बनाना चाह रहा हूँ अलग से और मैं चाहता हूँ कि लिसनर में सारा बिजनेस लॉजिक लिखा हो। तो लिसनर में ही लिसनर बना देता हूँ मैं, लेकिन इसमें एक बटन है जो कि ऐड स्टूडेंट, जो कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक लिसनर अलग से बना दिया जाए जिससे कि हम काम करें। तो चलो मैं लिसनर बना ही देता हूँ। क्लास बनेगा और यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट लिसनर लिसनर। और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें एक्शन लिसनर से। एक्शन लिसनर से मैं इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं अन इम्प्लीमेंटेड मेथड। तो क्लिक इवेंट को भी हम यहीं पे चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो आप, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्लिक इवेंट को हम चाहें तो वहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और ज़रूरत पड़ेगी हमें तो इस इवेंट को मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ अभी। बस यहाँ पे मैं एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अभी, न्यू, फिर मैनेज स्टूडेंट एक्शन लिसनर, मैनेज स्टूडेंट। मैनेज स्टूडेंट लिसनर ये आ क्यों नहीं रहा पॉपअप, आ जा भाई।
मैंने नाम ही गलत लिख दिया, कुछ इस तरह का नाम मैंने लिख दिया, नाम ही गलत लिख दिया, इसलिए एरर आ रहा था, दिस पास कर देते हैं इस तरह से। माउस यहाँ पे लाऊंगा और मैं क्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे बन के रेडी हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट इस तरह से, इसको दे देंगे सेमी कॉलन। हमारा काम हो गया यहाँ पे, ये कॉल हो जाएगा। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये अपने आप लिसनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही लिसनर का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल कर देता हूँ, लोड डेटा। लोड डेटा मेथड कॉल किया और यहाँ पे क्रिएट माउस थोड़ी देर लेके आऊँगा तो ये पॉपअप आएगा एरर का, और इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शुरू करता हूँ कोड लिखना अपना कंस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए। स्टूडेंट का डिटेल हम ले ले मैं ले लेता हूँ पहले। तो आप देखो डीटीओ का ऑब्जेक्ट बना, हमें पहले लिस्ट लेना पड़ेगा, LIST लिस्ट। क्यों नहीं आ रहा है पॉपअप भाई, लिस्ट आ गया। ये नीचे जाओ भाई, तुम ई के जगह पे हमें स्टूडेंट डीटीओ करना है, स्टूडेंट डीटीओ डॉट स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट डीटीओ। नो 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 नो, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट डाओ डॉट गेट डेटा। ये देखो गेट डेटा मेथड है, ये मेथड क्या करेगा कि स्टूडेंट डीटीओ को रिटर्न करेगा। तो हमें ये मेथड कॉल करना है, हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है बल्कि मेथड कॉल करना है गेट डेटा। और गेट डेटा मेथड क्या करेगा, स्टूडेंट का सारा जो है लिस्ट, जो डीटीओ टाइप का लिस्ट होगा वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या हो गया, डेटा आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं करूँगा क्या, डिफॉल्ट टेबल मॉडल एक है क्लास जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, डी स्पेलिंग क्या करें, डिफॉल्ट, यही एक ठो प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, यह है डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इसका मैं बना लूंगा ऑब्जेक्ट, इस कंट्रोल स्पेस मॉडल न्यू टेबल मॉडल बन चुका। अब हमें क्या करना है, आता हूं मैं नीचे, अब वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, वेक्टर वेक्टर इसमें दे दूंगा, जेनेरिक में दे दूंगा मैं स्ट्रिंग, यहां पे लिख दूंगा CO कॉलम, LUMM कॉलम हो गया ये, न्यू वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना के रेडी। आप मुझे क्या करना है, आप देखो COL कॉलम डॉट एड, मुझे जितना भी जो है कॉलम दिखाना है उन सारे कॉलम का नाम इसमें मैं ऐड करूंगा। कैसे, देखो सबसे पहले ID दिखाना है तो मैंने ID ऐड कर दिया, उसके बाद मेरे को नेम दिखाना है तो नेम ऐड कर दिया, इसके बाद मुझे फादर नेम दिखाना है, फादर नेम, तो फादर नेम ऐड कर दिया, इसके बाद दिखाना है मदर नेम तो मदर नेम दिखा देंगे, इसके बाद क्या दिखाना है मेरे को तो अब याद है नहीं आ रहा है। मैं सारा इसी तरह से दिखा के फिर से आता हूँ, ये देखो तो हमें इतना चीज दिखाना है वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, मदर नेम तक हुआ था, जेंडर ले लेता हूं मैं,
यहाँ पे ले लिया जाएगा जेंडर, मोबाइल नंबर ले लेंगे, एम ओ बी आई एल ई मोबाइल नंबर, ओ मोबाइल। मैं इसी को 4-5 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहीं से कॉपी पेस्ट करना शुरू करता हूँ मैं। ये हो गया कैटेगरी, यहाँ पे डाल देंगे कैटेगरी, यहाँ पे डाल देंगे COURSE, कोर्स हो गया, और फिर हो जाएगा एड्रेस। कॉलम बन के हमारा रेडी हो चुका है, इससे ज़्यादा तो कॉलम है नहीं, हमने नहीं लिया है, बस इतने कॉलम हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, ये है मॉडल, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा हमने कॉलम लिस्ट एक बना लिया। आप जो एरे लिस्ट पढ़ते हो ना, लिस्ट एरे लिस्ट, वही ये वेक्टर भी है जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रहा है। हमने एक कॉलम का लिस्ट बनाया है यहाँ पे, और उन सभी लिस्ट में क्या ऐड किया है, कॉलम का लिस्ट है ये, और उसमें आईडी नेम सारे कॉलम हमने ऐड करके रखा है। जैसे आप पेन पेपर से लिस्ट बनाते हो वही है, और कुछ नहीं है ये वेक्टर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल डॉट सेट कॉलम आइडेंटिफायर, सेट कॉलम आइडेंटिफायर, देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है। तो कॉलम आइडेंटिफायर जो है ये ऑब्जेक्ट के टाइप, ऑब्जेक्ट एरे भी ले रहा है, वेक्टर एरे भी ले रहा है, तो मुझे वेक्टर एरे पास करना था इसीलिए मैं किया। वेक्टर आप ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, पर मैंने वेक्टर का एरे बनाया है, ये भी कोई वो नहीं है। तो मैं चलो क्लिक किया और कॉलम यहाँ पे पास कर दिया, कॉलम पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इसके पास आओ आप, मतलब इस वाले वेरिएबल के पास, डॉट टेबल, लग रहा है पब्लिक नहीं बना है, पब्लिक नहीं बना है तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे इसको पब्लिक। पब्लिक हो गया है पब्लिक, अब यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। डॉट टेबल डॉट सेट मॉडल, सेट मॉडल एक मेथड होता है, मॉडल सेट मॉडल, मॉडल में क्या मांग रहा है, ये टेबल मॉडल मांग रहा है, तो टेबल मॉडल का ही चाइल्ड है ये, और यहाँ पे हम मॉडल पास कर देंगे, क्योंकि पेरेंट के पास तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रहता ही है जी, तो हमने पास कर दिया मॉडल। अब हमें क्या करने का, अब हमको जो है लूप लगाना है, और स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे है, इन सभी स्टूडेंट का डिटेल उठाना है एक एक, और स्टोर कर देना है जो है कहाँ पे, तो ऐड करना है ऑब्जेक्ट, सॉरी एरे में, और एरे पास कर देंगे इस टेबल को दे देंगे, सॉरी टेबल को नहीं देंगे, मॉडल को दे देंगे, और मॉडल तो ऑलरेडी हमने टेबल को दे दिया है, हम डेटा देंगे मॉडल को, और मॉडल जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है टेबल को। तो चलिए फॉर ईच लूप का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो फॉर ईच लूप लिखा कैसे जाता है आप देखो, स्टूडेंट DTO डॉट स्टूडेंट कॉलन दीजिए, और फिर ये एरे लिस्ट है, इसको उठा करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, बस काम खत्म हमारा, इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं आता हूँ मॉडल के पास, मॉडल का एक मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, ऐड रो डॉट ऐड रो। अब ये देखो रो क्या मांग रहा है, या तो ये मांग रहा है कि आप वेक्टर दे दो हमें, या तो मांग रहा है ऑब्जेक्ट दे दो, तो आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर का भी दे सकते, वेक्टर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट का एरे भी दे सकते हैं। तो वेक्टर का, वेक्टर में कैसे डेटा ऐड करना है वो तो आप जान गए हो यहाँ पे, लेकिन वेक्टर से यदि डेटा हमें ऐड करना होता तो हम इस तरह से डेटा ऐड करते, यहाँ पे हम डेटा डायनामिकली डालते, लेकिन वेक्टर्स आप सीख चुके हो, मैं अब जो है ऑब्जेक्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में कैसे डेटा ऐड करना है। तो ये देखो हम इसी में पास कर देंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट टाइप का एक एरे बना लूँगा। ऑब्जेक्ट आप कहोगे कि क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है एक क्लास है, आपको शायद मैंने नहीं बताया,
पहले, परंतु ऑब्जेक्ट क्लास जावा में बने हुए सारे क्लास का पेरेंट क्लास माना जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास जावा में आपने भी यदि कोई क्लास बनाया है तो सारा क्लास जो है इम्प्लिसिटली इनहेरिट हो जाता है ऑब्जेक्ट से। तो चलिए डेटा पास कर देते हैं इस तरह से, और ऐसे ले लीजिए, हमें यहाँ पे लिखना है डेटा कॉमा डेटा 1 कॉमा डेटा 2 इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ऐसे आता हूँ और बस यहाँ पे डेटा लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। कैसे, आप देखो, डॉट गेट आईडी, पहले आईडी, यहाँ पे हमने पहला कॉलम में आईडी शो किया है तो हम यहाँ पे पहले आईडी करेंगे, फिर कॉमा, फिर इस डेटा को आप उठा करके पास कर दीजिए यहाँ, यहाँ पास कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट नेम, नेम आ गया, कॉमा स्टूडेंट डॉट गेट एफ नेम, फादर नेम आ गया, स्टूडेंट डॉट गेट एम मदर नेम आ गया, स्टूडेंट डॉट गेट मदर नेम के बाद क्या है, जेंडर, तो जेंडर आ गया, फिर डॉट गेट मदर नेम के बाद, जेंडर के बाद क्या है, हाँ अच्छा जेंडर लिया, जेंडर के बाद मोबाइल है तो मोबाइल नंबर आ गया, फिर जो है स्टूडेंट डॉट गेट मोबाइल के बाद क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी आ गया, स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स, तो कोर्स ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस, एड्रेस आ गया, हमारा काम खत्म। ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है आखिर एरर, ए वाला लूप के लिए बंद हो गया, ए मेथड के लिए बंद हो गया, और ए वाला जो है ऐसे बंद हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन देना पड़ेगा क्योंकि ए वाला लाइन ये पूरा है ना, ए वाला लाइन ये पूरा है, लेकिन ये मैनेज करने के लिए मैंने ऐसे किया है, लेकिन ये टर्मिनेट यहाँ हुआ है, इस तरह से हमारा काम हो गया। तो क्या कहते हो आप लोग, रन कर दिया जाए प्रोग्राम, कर देते हैं, देखते हैं डेटा हमारा शो होता है या नहीं शो होता है। रन हो जा भाई, ये देखिए डेटा हमारा शो हो गया है, लेकिन ये आ नहीं रहा है जो है कॉलम का नेम। तो मैं आता हूँ इधर ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, एक काम और मैं यहाँ पे करता हूँ, जे स्क्रॉल, जे स्क्रॉल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जे इस तरह से, और पास कर देते हैं यहाँ पे टेबल, स्क्रॉल पेन आ गया, एक बार और रन करके देखते हैं, लेकिन डेटा तो है नहीं तो क्या होने वाला है। जे स्क्रॉल, इससे क्या होगा कि आपका स्क्रॉलिंग, एक मिनट रुकना, तो मेरा माइक का बैटरी लो हो गया था, वार्निंग दे रहा था तो वो बंद हो जाए उससे पहले, मैं सोचा चार्ज ही लगा लूँ 2 मिनट में। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, कहाँ तक हमने लिखा था कोड, यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं आ रहा है, और एक और प्रॉब्लम आप देखो, इसका लुक तो थोड़ा है अलग टाइप का, लेकिन इसमें देखो मैं डबल क्लिक जैसे कर रहा हूँ तो इसको मैं एडिट कर पा रहा हूँ, जो कि ये सही नहीं है, ये देख लो मैं कुछ टाइप वगैरह कर पा रहा हूँ, तो हम इसको भी सुधारेंगे लेकिन अभी नहीं सुधारेंगे। और कॉलम का नाम तो अभी देख लेते हैं, हमने इसको यहाँ पे जे स्क्रॉल पेन में डाल दिया है, और जे स्क्रॉल पेन में डालने के बाद फिर भी नहीं आया, तो हमें क्या करनी चाहिए कि हमें इस जे स्क्रॉल पेन को टेबल में, मतलब है फ्रेम में ऐड कर देना चाहिए, फ्रेम डॉट ऐड, और यहाँ पे कर देते हैं जे स्क्रॉल पेन,
लेकिन जे स्क्रॉल पेन जब ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं हमें, परंतु सेट बॉन्ड्स हमें सेट करना पड़ेगा। किसका? जे स्क्रॉल पेन का, ताकि पता चल सके किस पोजीशन पे दिखाना है। तो अब राइट क्लिक करके रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, हो सकता है कि अब हमारा हेडिंग जो है वो दिखना शुरू हो जाए। तो ये देख लो, यहाँ पे हेडिंग दिखना शुरू हो गया है, मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे शो हो गया है। अब इसको थोड़ा कलर वगैरह देना और ये एडिटिंग वगैरह को ख़त्म करना, ये हम करेंगे थोड़ा, मतलब बाद में अब करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेट बॉन्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं देखता हूँ करके इसको रन। तो हाँ, सच बात है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जे स्क्रॉल पेन में ऐड कर दिया है टेबल को, और जे स्क्रॉल पेन का जो है बॉन्ड सेट हमने कर दिया है फ्रेम में। तो चलिए, बाकी मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। फिर भी 21 मिनट हो ही गए हैं। चलिए, गुड नाइट।